Hello dear students, good morning. How are you? I hope all are you well at your house. So, dear students, today onwards I'm going to teach you the next part of the lesson number 5 of the 11th class. In this lesson, we are discussing about a uh, Mrs. Pearson. It is a very ordinary lady and she won't get respect in her family. So let's start today's karaki Mrs. Pearson. डू नॉट लाइक इट नाउ कि क्या अब भी तुम उसको पसंद करते हो आई नै अट मैंने तो उसको कभी भी पसंद नहीं किया डोरियस इनडेंगे मतलब क्रोधित भावनाओं से ऑफकोर्स आई लाइक इट like निस्ंदेह मैं इसको अभी भी पसंद करती हूँ एंड आई एम गोइंग टू वीयर इट टू नाइट और मैं आज इसको रात्रि के लिए मतलब आज इस को रात्रि में पहनने वाली हूँ किसने कहा भाई ये बात है डोरियस ने कहा अब देखो आगे आगे कह रहा है मिसिज पियर सो आई वॉन्ट इट आयरन इसलिए मैं क्या चाहती हूँ कि भाई आप इसके ऊपर क्या कर दो प्रेस कर दो मिसेज पियर्सन कहते हैं कि वॉन्ट इट आयरन आप प्रेस करना चाहती हो वट वुड यू थिंक इट इज इट इज गोइंग टू डू आप क्या सोच रहे हो कि इसके साथ क्या करना चाहिए आयरन इट जाओ और अपने आप इसको प्रेस करो डोरियस कह रहे कि नो no, नहीं यू आर गोइंग टू आयरन इट फॉर मी कि आप स्वयं मेरे लिए मेरे कपड़े के ऊपर प्रेस करके लेके आओ या प्रेस करोगे यू ऑलवेज डू आप हमेशा से यही करते हो मिसिज पियसर कहते कि वेल well, ठीक है दिस टाइम आई डोंट भाई इस बार मैं तो प्रेस नहीं करूंगी एंड डोंट टॉक रबिस टू मी अबाउट वर्किंग हार्ड तो मेरे सामने ये बकवास मत करो कि तुम कठिन परिश्रम करती हो आई हैव अ गुड आइडिया हाउ मच यू डू मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम कितना काम करती हो डोरियस पियर्सन डोरियस पियर्सन आई पुट इन ट्वाइस द हार्स यू डू कि मैं तुमसे कहीं दोगुना काम करती हूँ एंड गेट नो वेज नो थैंक्स फॉर इट और ना ही तो मुझे इसके लिए कोई तनख्वाह मिलती है और ना ही मुझे कोई धन्यवाद मिलता है वाई आर यू गोइंग टू वीयर यूर येलो सिल्क की भाई आप जो आपका चालीस पेंस की भाई मैं चालीस पेंस के साथ जा रही हूँ मिसिज पियर कहते कि वाई क्यों वाइडली अब क्रोध होते हो तो कि वाई वाई व्हाट इज द मैटर विद यू क्यों क्यों क्यों, क्यों? तुम्हे क्या लेना देना है शुड वोट आई गो विद चालीस पेंस कि भाई मैं चालीस पेंस के साथ क्यों नहीं जाना चाहिए इफ ही वो मुझसे कहते हैं आई वॉन्ट टू मुझे करना चाहिए एनी ऑब्जेक्शन क्या आपको कोई एतराज है गो ऑन रखो यू माइट एज वेल टेल मी कि भाई आप हमें बताओ शायद मुझे बता दीजिए मिसिज पियर सरवली करो कठोरता के साथ कहती है कैंट यू फाइंड एनीबडी बेटर कि क्या आप उससे अच्छा लड़का नहीं ढूंढ सकती थी या ढूंढ सकती है आई वुड नॉट बी सीन डेड विद चालीस पैंस क्या कह रहा है कि मैं चालीस पैंच से मिलने के मतलब मिलने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगी ब्लक टीथ मतलब उसके दांत दात बड़काबे हैं एंड हाफ विटी आधे दिमाग का वो है डोरियस क्या कह रहे भाई कि ही इज नॉट नहीं वह नहीं है मिसिज पियरसन When I was your age, जब मैं आपकी अवस्था में थी आई वुड है कहीं अच्छा लड़का देख सकती थी जब मैं क्या थी भाई हम छोटी अवस्था के अंदर थी और गेवन माइसेल्फ अप या फिर मैं हमेशा के लिए काम छोड़ देती डोरिस नियरली इन टी एस उसकी आँखों में आशी आती हुई ओ सटअप चुप हो जाओ डोरियस रन आउट लेफ्ट डोरियस बाहर दौड़ जाती है, Mrs. Pearson है और दोबारा सेना स्टार्ट कर देती है या पुटिंग साथ करना लग जाती है आफ्टर अ मोमेंट साइरल पियरसन एंटर लेफ्ट अब यहाँ पे उसका लड़के का नाम है जिसका नाम क्या है साइरल पियरसन अंदर प्रवेश करता है ही इज मस्क्यूलाइंस कंपार्टमेंट ऑफ द काउंट ना काउंटर पार्ट ऑफ द डोरियस वो एक मस्ताना मतलब शरीर से मतलब कैसे है भाई व्यक्ति व्यस्क इंसान है बिल्कुल डोरियस का हो बहू सैरल ब्रिक्सली जल्दबाजी में हेलो मॉम हाय मॉम टी रेडी क्या चाय तैयार है मिसेज पियर्सन नो नहीं सैरल मूविंग टू द टेबल टेबल की तरफ जाते हुए अनोयड क्रोधित क्रोधित होते हुए वाई नोट क्यों नहीं है

मिसिज पियर्सन कहते हैं जस्ट ए चांस केवल एक ही मुझे बदलाव चाहिए सैरल जल्दी से वेल स्नैप आउट ऑफ इट भाई तुम्हें क्या दिक्कत है माँ एंड गेट क्रैकिंग और आप क्या हो रहे हो पागल हो रही हो हैवन टू मच टाइम मेरे पास इतना टाइम नहीं आप जो भी काम हो जल्दी कीजिए सैरल इज अबाउट टू गो सैरल बाहर ही जाने वाला था बहन मिसिज पियर्सन इज वॉइस चेक मिसिज पियर्सन की आवाज उसको रोकती है

डाउट इट लेकिन मुझे विरोध करते हुए नाउ लुक अब देखो वेन आई आस्कू दिस मॉर्निंग जब मैंने आपको आज सुबह कहा था यू प्रोमिस्ड और आपने मुझसे वादा किया था यू सैड आपने कहा था यू वुड हैुक थ्रो

डेयर से नाइस वे टू टॉक भाई बात करने का अच्छा तरीका है व्हाट वुड हैपन इफ वी ऑल टॉक लाइक दैट कि क्या होगा यदि हम सारे ही एक जैसे बात करना स्टार्ट कर देंगे तो क्या होगा मिसेस प्रेसन कहते हैं कि यू ऑल डू टॉक लाइक दैट तुम सभी ऐसे ही मिलकर बातचीत करती हो इफ देयर इज समथिंग एट होम यू डोंट वांट टू डू यदि घर पे कुछ ऐसा काम होता तो तुम उनको नहीं करना चाहते हो यू डोंट डू इट तुम श्रम नहीं करते हो इफ इट इज वर्क यदि यहाँ पे कुछ आपका काम है यूनियन टू सहारा लेते हो लेते हो. भाई? एक का लेते द मोमेंट अब इसी वजह से मैंने भी यूनियन का सहारा लूंगी सरल कहता है तो ऐसा नहीं कहा मम्मी व्हाट्स गोइंग ऑन की क्या चल रहा है मिसिज लोगोनिक एंड सैनिटेर मतलब हंसते हुए और शांत होते हैं चेंज कि मुझे बदलाव चाहिए डोरियस एंटर लेफ्ट अब क्या कह रहे कि एंटर वो लेफ्ट साइड से वो, वो एंट्री करती है सी इज इन द प्रोसेस ऑफ द ड्रेसिंग एंड इज नाउ वेयरिंग अ वार्प वो कपड़े पहनने की मतलब पहन रही होती है और उसने जो कपड़ा उसने लपेटा हुआ होता है सी लुक्स पेल एंड रेड आइज वो बहुत ही ज़्यादा दुखी और उसकी आंखें लाल थी मिसेस पियर्सन यू लुक ट्रिबल तुम बहुत ज्यादा भयंकर दिखाई दे रही हो आई वुड नोट वियर डेट फेस इवन

ट्रिपल और यदि मैं भयंकर दिखा देती हूँ इट्स योर फॉल्ट ये इसमें किसका भाई फॉल्ट है आपका फॉल्ट है यू मेड मी क्राई क्योंकि तुमने मुझे रुलाया है सैरल क्रियोसली वाई वाट डिड सी डू इसने क्या किया था डोरियस नेवर यू माइंड तुम्हें इससे क्या लेना देना है मिसिज पियोसिन रेजिंग एंड प्रिपेरिंग टू मूव टू द किचन अब वो खड़ी होती है और वो किचन तरफ जाने की कोशिश या तैयार होती है

क्लॉट अभी यहाँ पे क्लॉट करके होता है मूर्ख ठीक है भाई आज इतना ही कल फिर मिलते हैं तब तक के लिए हैव अ गुड डे